आजकल सबको सर्वाइकल वगैरह बहुत हो रहा है, नसें दब जाती है और कोई उल्टे सीधे डॉक्टरों के पास भी चले जाते जो ठीक नहीं होते। जो मानस जी ने कहा कि भाई केरला में इसका इलाज है, तो काफ़ी लोगों को निदान से मैसेज मिलेगा कि केरला भी जाएंगे, कोई उल्टे सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो ज़्यादा तकलीफ हो। और इसमें मैंने थोड़ा हटके रोल किया है, आप लोग मुझे भाभी जी में देखते हो प्रेम चोपड़ा जी का रोल करते हुए। इस पिक्चर में निदान में मैंने एक सिंधी कैरेक्टर किया है। बहुत अच्छा काम किया गिरीश जी ने, कुणाली जी ने बहुत अच्छा काम किया। जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी उसमें एक डॉक्टर का रोल किया और निदान मतलब ये कि सोल्यूशन, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में उसका इलाज ना हो, खास करके केरला में। और मानस खुद इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़माने से काम किया। लास्ट में जाके इसकी शूटिंग हुई, फिल्म कंप्लीट हुई और मुझे लगता है कि इसे कंट्री के लिए बहुत अच्छा मैसेज। जी ये जो निदान है, निदान का मतलब आप लोग समझ रहे हैं सॉल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो इस फिल्म उसी बेस पर बनाया गया। और ये बहुत अच्छा मैसेज है, जिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है या जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आज तक, मैं चाहती हूँ वो ऐसी जगह जाए जिस बेस पर हमने ये फिल्म बनाई तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बीमारी ठीक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैंने यहाँ पे जो मेरा किरदार है, मैं कुणाली की बहन, बहुत सपोर्टिंग कैरेक्टर है इसमें मेरा, बहुत सपोर्टिव है ये, जो बहन को हेल्प करती है। बहन मतलब जीजाजी के साथ जो हीरो गिरीश जी ने प्ले किया है, तो उनके साथ जो उनकी तकलीफ में वो है और मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ, उनके बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ, ये मेरा किरदार है। और मैं आशा करती हूँ आप सभी को एकदम अच्छी लगेगी और दुनिया भर में जो भी जहाँ भी ये तकलीफ हो बीमारी से, उनका हल इसी पिक्चर में है, देख के सबको पता चलेगा। मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। सबसे पहले मैं फिल्म के लिए ये कहूँगी कि ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, मैसेज है समाज के लिए। हमारे देश में खासकर औरतों को ये बीमारी बहुत होती है, लोअर बैक प्रॉब्लम, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और डॉक्टर के पास कई बार ऐसा होता है इलाज नहीं होता, कभी किसी के पैर काट दिए जाते हैं या नी रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा उपचार है आयुर्वेद में। तो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए और सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए। मेरा किरदार इसमें थोड़ा नेगेटिव है, मैं हीरो गिरीश की बहन का रोल कर रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि जहाँ थोड़ी सी बुराई ना हो तो कोई भी फिल्म कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। मैं बहुत पैसे वाले घर की दिखाई हूँ और भाई बीमार है, भाभी और बच्चे पैसे पैसों के लिए मोहताज है, और मैं उनको पैसे देती हूँ और एहसान जताती हूँ, इस टाइप का कैरेक्टर है मेरा। पहली बार तो आपका लास्ट से शुरू करता हूँ सवाल का। पहली बार जब सोचा ये कि जब मैं उधर एडमिट था केरला में, ये जो बीमारी जानलेवा बीमारी है और मतलब बहुत ही तकलीफदायक जिंदगी का, ब्रेन से लेकर के टो तक हैवी पेन 24 घंटा, 24 आवर्स चलना फिरना सब खत्म हो चुका था। तो उस दौरान जब लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, हम लोग मुझे ठीक कर रहे, ग्रेजुअली 20%, 30%, 60%, उसी दौरान मुझे फील हुआ कि नहीं अभी इसके बारे में मैं लोगों तक मैसेज पहुँचा। और जहाँ तक गिरीश का सवाल है, गिरीश को मैं तब से जानता हूँ जब ये इंडस्ट्री में कदम रखा था, उस टाइम मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, ये स्ट्रगल करता था। और उसी दौरान एक फिल्म मिली मिस्टर गोन बगर जी की, जिसमें हम साथ में थे, तो मैं चीफ असिस्टेंट का उसमें काम कर रहा था और ये बाकायदा उसने एक अच्छा किरदार निभाया और इतना बेहतरीन मतलब किरदार निभाया था और ये इतना बेहतरीन एक्टर है, इंसान तो है ही है बेहतरीन। तो जब कास्ट करने की कोशिश किया तो सबसे पहले जहन में आया गिरीश, इस चरित्र को निभा सकता है सिर्फ और सिर्फ गिरीश। तो उसी दौरान मैंने सोचा कि गिरीश को फ़ोन किया और गिरीश इमीडिएटली बोला यस दादा मैं कर रहा हूँ। मूवी लेकर आ रहे हैं, जो फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसमें जो आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, ये इसकी जो अवेयरनेस है, ये जब फैलेगी तो लोगों को ये समझ में आएगा कि सिर्फ एलोपैथी या कोई दूसरे इलाज जिनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है या सिर्फ टेम्परेरी है, वो ना करके अगर आप आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं या वो इलाज अपनाते हैं तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और मैंने खुद अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से लोगों को ठीक होते भी देखा है, जो फिल्म में भी बताया है।
दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी अपने जीवन पर आधारित है, तो मुझे ये लगता है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे या हम भी जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान एक कोई ऐसे सिनेमा बनता है जो असल ज़िंदगी पर होता है तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। मैं जब ट्रेलर देख रहा था तो जब भैया का ट्रेलर उसमें था कि उनको जब बैक में पेन आता है तो कहीं ना कहीं आई कुड फील द पेन यू नो व्हाइल वॉचिंग द ट्रेलर कि हाँ यार सच में तकलीफ हो रही है। और जब वो इलाज दिखाया जा रहा था कि और वो कैसे कैसे ग्रेजुअली बेटर होते जा रहे थे तो वो भी मैं महसूस कर रहा था साथ साथ। क्यों? क्योंकि वो जैसा कि मैंने बताया कि असल जिंदगी पर बेस्ड और स्पेशली निदान की जो मेन लीड है वो मेरे साथ खड़ी है एंड ही इज अमेजिंग परफॉर्मर एंड टू स्टैंड विद हिम इज ओनली अ बिग प्लेजर और मैं बहुत ही खुश हूँ। और निदान एक ऐसी मूवी है जो एक डायरेक्टर के ऊपर बनी है विच गिरीश सर इज प्लेइंग ऑफ कोर्स जो ऑलमोस्ट डिसेबल हो गए थे बट आयुर्वेदा की वजह से कोई कैसे वापस आ सकता है तो इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया उस चीज़ को। विथ हिम माई मेमरीज ही इज एन अमेजिंग एक्टर अ सुपर एक्टर ये आप लोग सब जानते हो और उसके अलावा ही इज़ अ सुपर टीचर इज वेल तो वही इन्होंने जो बड़े पर्दे पे दर्शाया है और आई एम 100% श्योर कि वो बहुत ही अच्छा निकल के आया है और आई एम वेरी हैप्पी कि दिस पोस्टर आप देख सकते हैं ही इज सच अ नाइस एक्टर कि अभी का जो लुक है वो एकदम डिफरेंट है और उसका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन मानस की जिंदगी का हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। दुनिया ऐसे किसी भी नजरिए से देखे लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इस सपने को प्रणाली ने मानस ने मैंने भी किसी हद तक संजोया था सोचा था कि एक दिन वो घड़ी वो लम्हा ज़रूर आएगा जब ये फिल्म रिलीज होगी और दुनिया तक पहुंचेगी। ये कोई आम फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हमारे दिल से निकली हुई एक आवाज़ है, एक पेन जो मानस ने सहा है और उस पेन से वो उसने उसकी ये चाहत है कि उस तरह के पेन से अगर कोई और गुजर रहा है तो उसके घर में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके और उसका रास्ता है आयुर्वेदा। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ मानस का वो कहीं ऐसी जगह जाके रुके जहाँ पर एक तरफ उन्हें कह दिया गया था कि तुम अब सिर्फ मौत का इंतजार करोगे बेड पर लेट कर। ये लाइन फिल्मी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है कि वो उस टाइम को कैसे गुजारेगा। डॉक्टर ने इन्हें कह दिया था कि तुम सिर्फ घड़ी देखोगे और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करोगे बेड पे पड़े हुए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट एलोपैथिक ग्राउंड पे इनको दी गई। उसके बाद इनके अंदर ये इनका कोई दोस्त था उसने इनको सलाह दी कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। ये बाई चांस वहां भी अनमने मन से गए, आधे मन से गए, आधे विश्वास के साथ गए लेकिन जब वहां पहुंचे वहां पर पहुंचने के बाद इनको ऐसा लगा कि हाँ ये सही जगह है, शायद यहाँ पर मेरा इलाज हो जाए, शायद मैं यहाँ पर उस मतलब ये लोग मुझे उतना ठीक कर दें कि शायद मैं थोड़ा चल फिर पाऊं। लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ महीने वहां गुजारे, वहां के इलाज के बाद आज ये आदमी आपके सामने खड़ा है। सॉरी, इस आदमी की कंडीशन ये जॉइंट्स ऐसे चकर चुके थे और ये ऐसे चलता था। ये मैं आपको परफॉर्म करके जानबूझ के दिखा रहा हूं कि इस कंडीशन में था ये आदमी और आज ये आदमी आपके सामने खड़ा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, फिल्में डायरेक्ट कर रहा है और करेगा लाइन से। मेरी दुआ इनके साथ है, आप सबकी दुआ इनके साथ है कि ये फिल्म मानस जी ने एक प्रयास किया है कि हमारे भारत में बहुत सालों पहले से मतलब पुराने वेद के टाइम से हम एक आयुर्वेदिक हमारे यहाँ दवाई है जिससे हम सब लाइलाज कोई भी बीमारी नहीं रहती, सब हम उसको इलाज कर सकते हैं सब बीमारी का, वो दर्शाने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा प्रयास किया है जो उन्होंने खुद ने वो सब भुगता है उसके बाद उन्होंने ये सबको बताया है क्योर होने के बाद। और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, ये गांव-गांव में घर घर में छोटे से घर में और मुझे तो लग रहा है कि ये चीज़ हम खाली इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी दिखाए कि ये फिल्म कितनी अच्छी बनी। और मानस जी के साथ काम का अनुभव कहूँ तो इनके पहले जो मैंने ये फिल्म के पहले उनके साथ मैंने मुजफ्फरनगर 2013 फिल्म आई थी उसमें देव शर्मा मेन हीरो था, उसकी माँ का रोल मैंने किया था तो मेरा अनुभव तो उनके साथ काम का बहुत अच्छा रहा है। और मैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स और सबको सब यूनिट को एक ये करती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले और उनको जो मैसेज देना है वो घर घर तक पहुँचे। कहा है कि ये एक फिल्म नहीं है, एक ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है
और जो मानस जी के साथ जो घटना घटित हुई है, जो HLA-B27 पॉजिटिव एंकुलाइजिंग, तो ये जो है इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे जॉइंट्स जो है लॉक हो जाते हैं, लुब्रिकेंट ड्राई हो जाता है, धीरे धीरे स्पाइन टूटने लगती है। तो वो कंडीशन में मानस जी पहुंच गए थे और उसके बाद ये ठीक हुए 18 मंथ बाद। तो हमारा जब हमने इनको देखा तो हमारा एक ही मकसद रहा है कि ये देश दुनिया में हमको पहुंचाना है, हर घर तक इस चीज़ को बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है। आप सिर्फ एलोपैथी की तरफ न जाते हुए बड़ी बड़ी डिसीज़ भी, बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप आयुर्वेदा में ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कि फिल्म के माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, क्योंकि ये बहुत ईजी माध्यम है लोगों तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए एक सोशल फिल्म है, ये सोशल कॉज है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मीडिया जहां तक है हमारे साथ, तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि इस मैसेज को देश दुनिया में पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। जैसे हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, वैसी आप लोग भी इसकी जिम्मेदारी लें और हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट है। और हमें ये बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है, लोग ठीक होते हैं और ठीक हो रहे हैं। तो यही मकसद रहा है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। सोशल कॉज है और सोशल कॉज के साथ साथ आप सभी हमारे साथ जुड़िए, यही आपसे एक दरख्वास्त है। एक फिल्म है, एक भयानक बीमारी जो मानस जी को हुई थी और जो लाइलाज थी एलोपैथी में, और फिर उन्होंने उनका जो संघर्ष इस बीमारी से जूझते हुए और जो उन्होंने डिपिक्शन दिया है फिल्म में, बहुत ही रियलिस्टिक रूप में दिया है। और एक चीज और इसमें प्रूव हुई है कि आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की धरोहर है और सबसे पुराना ट्रीटमेंट है हमारे इंडिया में, और उसी से ही वो ठीक हुए हैं। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से नेचुरल रूप में इस चीज़ को दर्शकों तक, बहुत अच्छा मैसेज है ये फिल्म के लिए। और हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म अच्छे लेवल पर जाए और ऑल ओवर इंडिया लोगों को और नेताओं को, जो भी वर्ग के लोग हैं, उन तक पहुंचे।